नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा द्वारा भगवान श्री राम की विजय रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर से भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी ने किया। जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत धामपुर में भी भव्य विजय रथ यात्रा निकाली गई। विजय रथ यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से नगीना चौराहा, पोस्ट ऑफिस, खारीकुआं, भगत सिंह चौक, फल चौक से सुभाष चौक होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर जाकर ही सम्पन्न हुई। विजय रथ यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। यात्रा में डीजे पर राम भक्तों ने जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा में राम लक्ष्मण, राम सीता, हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनौरिया, जिला मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, उपेंद्र सैनी, नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सोगी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आयुष, यात्रा के संरक्षक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन राजू गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, विपिन अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल, नवीन आजाद सिंह, प्रमोद राठी, महंत राहुल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमर प्रताप चौधरी, राकेश चौधरी, सुभाष चौहान, रविशंकर, नमन जैन, मनोज गोयल, पवन चौहान, संतोष राजपूत, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मोनिका अग्रवाल, सरस्वती कौशिक, करिश्मा सक्सेना, संगीता अग्रवाल, सुजाता राजपूत, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनिता चौहान, अनिता अग्रवाल, सुनीता नंदा आदि सहित भारी संख्या में महिलाएं एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।